और दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे। मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से नाश्ता पानी मेरा निपट चुका है और 9:30 बज गए हैं, इसलिए सफाई का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सफाई में देखिए क्या होता है, डेली हम लोग एक ही काम करते रहते हैं तो एक ही जैसा लगता है, तो वही मेरे संग हो रहा था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि अपने इस एरिया को कुछ चेंज किया जाए, क्या चेंज करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शॉपिंग का बिल्कुल मेरा मन नहीं था कि मैं सामान कुछ खरीद करके लाऊं। जो आइटम मेरे पास अवेलेबल है उसी से ही मैं उसको रीडेकोरेट रीऑर्गेनाइज करना चाहती थी। तो बहरहाल बड़ी हिम्मत करके सारा सामान मैंने निकाल करके बाहर कर दिया है। ये जितना भी सामान है दोस्तों ये सब अलग अलग तरीके का है, क्योंकि मैंने अलग अलग टाइम सबको बनाया है। तो मैं चाह रही थी कि सब में एक यूनिटी जैसी हो जाए, कुछ एक जैसा हो जाए। डेकोरेशन के लिए रीऑर्गेनाइज के लिए दोस्तों ये वाला एरिया है, जब हम जीने से ऊपर आते हैं तो बिल्कुल सामने ये पड़ता है मेरे रूम में घुसने में, तो इसी को मैं दोबारा से डेकोरेट करूँगी। तो ये जो चेयर है चाहती हूँ मैं इसको भी रीयूज़ कर लूँ, क्योंकि ये जो चेयर है पहले मेरे रूम्स में थी, अब एक्स्ट्रा हो गई है। कभी कोई मांगेगा तो मैं उसको दे दूंगी, तब तक ये है कि मेरे ही यहाँ पर रहेगी, जगह स्पेस घेरेगी। तो मैंने सोचा कि इसी को ही जो है रीडेकोरेट कर लेते हैं, रीऑर्गेनाइज इसी में अपने प्लांटर्स करते हैं। सबसे पहले जो है अपने स्पेशल डस्टर से धूल साफ कर लें, एक बार प्लांट्स लग जाएंगे तो धूल साफ नहीं होगी। स्पेशल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये जो है लकड़ी का डंडा है, उसमें मेरे हस्बैंड ने कपड़ा लगा रखा है, जब वो खाली रहते हैं बोर होते हैं तो वो उसी से सब जगह डस्टिंग करते रहते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, जब बहुत उबते हैं तभी करते हैं। तो इसको जो है मैंने यहीं पर ही जो है चेयर को लगा लिया है। ये कढ़ाई जो मुझे किसी सामान के संग फ्री मिली थी, चाय की पत्ती के संग, बिल्कुल यूज़लेस है मेरे लिए क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाती, तो उसको मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। ये स्नेक प्लांट दोस्तों बहुत भारी हो गया है, अब उठता नहीं है, मुझसे ऐसा लगता है कुछ समय बाद मैं उठा नहीं पाऊँगी। एनी हाउ मेहनत करके इसको मैंने यहाँ पर रख ही दिया है। कढ़ाई की वजह से सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा था क्योंकि ये डावाडोल हो रही थी कढ़ाई, तो मैंने ये जो स्टोन्स थे ये लगा दिए। कढ़ाई केवल इसलिए रखी है कि कहीं प्लांटर से पानी गिरे तो वो डायरेक्ट चेयर में ना लगे, लकड़ी की चेयर है, पानी लगने से ख़राब हो जाएगी। ऐसे तो ये है कि कभी कोई मांगेगा तो उसको मैं दे दूँगी तो ये चेयर ठीक ठाक रहेगी। फिर इसके बाद अपने प्लांटर्स लगाना शुरू करा। देखिए जब भी कोई डेकोरेशन करते हैं या चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बार में तो देखिए बिल्कुल फिट नहीं हो जाता है, इधर लगाओ फिर उधर लगाओ, ऐसे बार बार करना पड़ता है। तो ये कर रहे थे, इसी चक्कर में मेरा कुर्ता भी फट गया। ये जो ग्रिल्स हैं इसी के वो डिज़ाइन से जो था मेरे कुर्ते में लग गया ये, क्योंकि मेरे कुर्ते में नीचे ना जाली जाली सी बनी है, उसी की वजह से पूरा फट गया नीचे। चलो ठीक है, जो भी हुआ है, बहुत पुराना भी हो गया था। तो यहाँ पर जो था जो मेरे आइटम्स थे उसको मैं दोबारा से ऑर्गेनाइज कर रही थी, लेकिन एक मन में ना बहुत खुशी नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ भी तो चेंज नहीं करा जाता है, बस चेयर ही लगा दी है। तो बहरहाल लगा दिया था, टाइम भी मुझे कम लग रहा था। फिर मैं सोच रही थी कि इसको फिर से कुछ सोचूंगी करने के लिए, लेकिन जब टाइम कम था तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। हाँ शॉपिंग के मूड में बिल्कुल नहीं थे कुछ खरीदें, तो यहाँ पर तो बहरहाल ये जगह मेरी खाली हो जाए, इसलिए जो है सामान को फिर से मैंने ऐसे ही रख दिया कि जैसा दिमाग में आएगा फिर से करेंगे इसको। दोपहर के समय दोस्तों जब मेरा नाश्ता पानी निपट गया तो मैंने दोबारा से सारा सामान निकाल लिया कि कुछ तो डिफरेंट लगे देखने में। तो ये जो मेरे प्लांटर्स पहले से कलर करे हुए थे तो इनमें भी मैं दूसरा कलर करूँगी, और साथ में जो बिल्कुल ब्लैक कलर के हैं उसमें मैं ये जो फेविक्रिल का जो वाइट कलर लिया था ये बहुत अच्छा मेरा नहीं रहा, तो उसको मैं पहले बेस कोट करूँगी उससे जो ब्लैक वाले हैं, फिर उसमें भी सेम कलर कर देंगे, क्योंकि मुझे लगा कि एक जैसी यूनिटी देना ज़रूरी है। मार्केट भी नहीं जाना था तो मेरे पास घर में ही येलो कलर था जो कि काफ़ी क्वांटिटी में था, तो वो सब में आ जाता, तो मैंने डिसाइड किया कि उसी को मैं दोबारा से यूज़ करूं। हैं तो एक बार अगर कलर ख़रीद लो तो फिर वो सूखने लगता है, तो येलो कलर भी ऊपर से सूखा था, जब मैंने अंदर उसके वो देखा चाकू लगा के तो अंदर से गीला था, वो लिक्विड था, तो वही मैं लगा रही हूँ। एनामेल पेंट है दोस्तों, एनामेल पेंट ये है कि इसकी बुराई ये है कि बहुत देर में सूखता है ये,
तो एक एक कोट करा करके यहाँ रखते जा रहे थे और मेरे संग एक कॉमेडी हो गई। क्या कॉमेडी हुई जल्दी बताते हैं। ये देखिए स्टूल पीछे से फंस गया। हुआ ये था कि स्टूल जो था मेरा चिटका था और चिटका स्टूल में जब बैठे तो मेरा जो टी शर्ट थी वो उसके जो चिटके वाले हिस्से में चली गई थी। बहरहाल एक कोट करने के बाद फिर मैंने रख दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से दोस्तों मैंने इसमें काम करने को सोचा। हस्बैंड को नाश्ता पानी करा दिया है, सफाई नहीं करी। मैंने सोचा एक कोट मार दें ताकि ये है कि सूखता रहेगा, सफाई तो फिर होती रहेगी क्योंकि इसको एनी हो मुझे आज काम निपटाना था, बेटे को भी आना था, तो मैंने सोचा बेटे के आने से पहले ये सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए मेरा। तो यही दोबारा से मैं इसमें कोटिंग कर रही हूँ। अब देखिए येलो कलर सब कुछ हो गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो चेंज हो गया है यहाँ पर। तो यह है कि इसको सूख जाएगा, ये इस समय जल्दी सूख जाता है। तो ये वाला एस्पेरेगस का है, ये टेरेस से मैं ले आई हूँ। ये जो है धूप इसको चाहिए होती है तो यहाँ पर धूप आती है तो चल जाएगा। और साथ में मेरे जो है DIY ये मैं कभी कभी बनाती रहती हूँ तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ को हटाने का मन नहीं करता ना। ये ब्रश और ये ऑयल यहाँ रखा था इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ रख दें। वहाँ ठीक नहीं लग रहा है, गिर सकता है तो यहाँ पर रख देते हैं इस पर। तो ये है कि स्पेस कम घेरेगा। छोटी मोटी चीज़ अक्सर पैर लग करके गिर जाती है ना, ये सेल्फ वाटरिंग है दोस्तों। तो इसको यहाँ पर लगा दिया मैंने। ये तो देखिए ऐसे डेकोरेशन हो गया मेरा। यहाँ पर ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इंडोर प्लांट है। और इधर पर ये पर मैंने कुछ आर्टिफिशियल भी हैं ये सब चीज़ें और ये सब तो ओरिजिनल है। तो अब देखिए कुछ मुझे ऐसा लग रहा है बेटर लग रहा है देखने में। तो बिना किसी कॉस्ट के बस थोड़ी सी मैंने अपनी फिजिकल मेहनत लगाई है और देखिए डेकोरेट कर लिया है। तो जब कोई चीज़ ऐसे डेकोरेट होती है तो अच्छा लगता है दोस्तों। मनी प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो रहा है क्योंकि पेंट भी लग गया है, दो दिन ऐसे ही पड़ा रहा। ये स्पाइडर प्लांट्स हैं, स्पाइडर प्लांट तो दोस्तों मेरे सब मांगे वाले हैं, सब मांग मांग के कलेक्ट करे हैं मैंने अपने दोस्तों से। तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से है, बॉटल लगा दिया है लेकिन हटा दूँगी मैं सोच रही हूँ वहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से है सिंगोनियम में। तो ये सब पुराने ही सामान है, देखिए नया सामान इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। इधर सब हैंगिंग बास्केट है, सब में जो है ये स्पाइडर प्लांट लगा है। ये मैंने जो मेरी एक फ्रेंड उषा रानी गुप्ता है जिनका एक बार ग्राउंड उसका मतलब बगीचे का वीडियो दिखाया था, और दीपा है मेरी फ्रेंड उनका भी दिखा चुके हैं वीडियो, तो उन्हीं के यहाँ से मांग मांग के मैंने कलेक्ट करे हैं और ऐसे हो गए हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरा झटपट डेकोरेशन, देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो देखिए लाइक पर क्लिक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के संग, तब तक के लिए गुड बाय।